पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। ये दास्तां है एक हरफन मौला कलाकार की, नाम है इनका प्रेम धवन, जो कि शायर भी रहे, संगीतकार भी और नृत्य निर्देशक भी। मिलती कहाँ से तुमसे हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना, अच्छी ये आज हुई जान पहचान, वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। प्रेम धवन साहब का जन्म हुआ 13 जून सन 1923 में, शहर रहा अंबाला। इनके वालिद ब्रिटिश सरकार में बतौर जेल सुपरिटेंडेंट काम किया करते थे। अक्सर इनके वालिद का तबादला हो जाया करता था और इस तरह से प्रेम धवन साहब पहुंचे लाहौर, जहां पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपने कॉलेज के दिनों में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए। इस बात पर भी गौर करना होगा, इन्होंने संगीत की शिक्षा ली, उसके बाद ये थिएटर का हिस्सा बने, जहाँ पर इन्होंने इप्टा की सदस्यता ली। यहाँ पर तमाम इनकलाबी ख्याल अपने गानों और अपनी लेखनी के जरिए ये स्टेज पर उतार दिया करते थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई पंडित रविशंकर से, जिनसे इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। रविशंकर के सहयोगी शांति रॉय बर्धन से इन्होंने नृत्य की शिक्षा भी ली और बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर ये पहुंचे उस जमाने के बड़े जबरदस्त संगीतकार खुर्शीद अनवर के पास, जहाँ इन्होंने फिल्म पगडंडी में बतौर सहायक संगीतकार काम किया। लेकिन सन 1948 की फिल्म जिद्दी में इन्होंने शुरुआत करी बतौर गीतकार भी। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार साहब फिल्म शहीद बनाना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि प्रेम धवन उस फिल्म का संगीत दें। प्रेम धवन साहब ने सिर्फ संगीत ही नहीं दिया, बल्कि उस फिल्म के गाने भी इन्होंने ही लिखे। उन तमाम गानों को कौन भूल सकता है, ए वतन या फिर मेरा रंग दे बसंती चोला। हालांकि इन्होंने कुछ और फिल्मों के लिए भी बतौर गीतकार काम किया, जैसे कि आराम, ताराना, आसमान, शोला और शबनम, काबुलीवाला का वो गाना ए मेरे प्यारे वतन, इसे कौन भूल सकता है। इस बात पर भी गौर करना होगा कि प्रेम धवन साहब ने फिल्म लाजवाब और गूंज उठी शहनाई में बतौर अभिनेता काम भी किया था। तकरीबन 7 फिल्मों में इन्होंने बतौर नृत्य निर्देशक काम किया। अरे वाह 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 वाह, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है। सन 70 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। सन 1971 की फिल्म नानक दुखिया सब संसार में इनके लिखे गानों के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। प्रेम धवन साहब एक लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे, शुरुआत की थी एक इनकलाबी कलाकार की तरह और फिर अपने फन से सभी का दिल जीता। इन्होंने फिल्म सिंगार में डांस भी किया था कुकू के साथ। ये फिल्म सन 1949 में आई थी। इस बात पर भी आपको हैरत होगी कि फिल्म नया दौर का गाना उड़े जब जब जुल्फें तेरी की कोरियोग्राफी इन्होंने ही की थी। इन्होंने भारतीय सिनेमा के कई उतार चढ़ाव देखे और 7 मई सन 2001 को दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो गया। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रेम धवन साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।